अलीगढ़ में दहेज में कार की डिमांड ना पूरी होने पर लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, वहीं रिश्तेदार सहित दोस्तों में भी कार्ड बंट चुके थे। अचानक लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। वहीं लड़की के पिता ने लड़का सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो महिलाओं को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि मामला जिले के दहली गेट थाना क्षेत्र इलाके का है। यहां छंगा वाली मस्जिद के पास यूनिस का परिवार रहता है। वह मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है। अपनी बड़ी बेटी की शादी भुजपुरा निवासी महराज पुत्र भूरा के साथ तय की थी। दोनों की मंगनी भी हो गई थी। वहीं महराज मीट में काम करता था। वहीं यूनुस ने बताया कि बीती रात घर में मड़ा का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूल्हे पक्ष से करीब 50 लोग आए थे। यहां पर शादी में दिया जा रहा सभी सामान और डिमांड के मुताबिक बाइक भी मौजूद थी। बताया कि अचानक लड़के पक्ष ने लोगों से कार की डिमांड कर दी। जब हमने कार देने में असमर्थता जताई तो उन्होंने शादी तोड़ने की धमकी दी। शादी टूटने की खबर से लड़की के घर वालों के होश उड़ गए। वहीं पिता गस खाकर जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी के साथ हाथापाई भी हुई। शोरगुल सुनकर मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए और जमकर हंगामा होने लगा। तो वहीं लड़का पक्ष शादी तोड़कर भाग गए। लड़की पक्ष के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां देर रात तक दो महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।